चंबा जिला के तहत कोटला गांव में एक व्यक्ति के मकान पर आसमानी बिजली गिरी, जिससे परिवार को लाखों रुपए का हुआ है नुकसान। कोई जानी नुकसान नहीं, वहीं प्रभावित के मकान के साथ 3-4 अन्य मकानों की वायरिंग भी जली। हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित 6 कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं पर गहराया है संकट। 6 में से 5 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित कई योजनाएं वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में की थी शामिल। देश के पर्वतीय राज्यों के किसानों के लिए राहत भरी खबर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान 6 साल बाद फिर से तैयार करेगा आलू का बीज। 2018 में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की सरकारी फार्मों में सिस्ट नेमाटोड रोग के कारण कुफरी और फागू फार्म में आलू के बीज उत्पादन पर लग गई थी रोक। पर्यटन सीजन को देखते हुए विमानन कंपनी स्पाइस जेट दिल्ली से धर्मशाला के लिए एक और उड़ान करेगा शुरू। यह फ्लाइट 28 मार्च के बाद होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते अब उपभोक्ताओं को पैकेट बंद दालें नहीं मिलेंगी। इन पैकेट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लगा है फोटो। आदर्श चुनाव आचार संहिता का न हो उल्लंघन, इसके चलते खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो होल्डरों को पैकेट फाड़कर दालें देने के दिए हैं निर्देश। लोकसभा चुनावों के लिए हिमाचल में 1 जून को मतदान। अगर इस दिन किसी कर्मचारी को मतदान नहीं करने दिया गया तो नियोक्ता पर होगी कार्रवाई। सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कड़े निर्देश किए गए जारी। लोकसभा चुनाव की घोषणा और हिमाचल में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच दिग्गज नेता रहे दिवंगत पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने किसी भी दल से चुनाव लड़ने का ऑफर मिलने पर तैयार होने की भरी है हामी। हिमाचल प्रदेश के मंडी टोलाब जौरा राज्य मार्ग पर शुक्रवार सुबह टिहरी के समीप मरोगी नाला में एक जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर में एम्स होने के बावजूद मरीजों को उपचार के लिए दूसरे राज्यों के बड़े संस्थानों में जाना पड़ रहा। इसका कारण प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधारभूत ढांचे की कमी और चिकित्सकों का बाहरी राज्यों के अस्पतालों में पलायन। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त डॉक्टरों की ली जा रही सेवाएं। कांगड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस और भाजपा के चुनावी चेहरों पर छाई धुंध अभी छंटी नहीं है। दोनों ही ओर प्रत्याशी चयन पर मंथन और फैसले का इंतजार लंबा खिंच रहा। 13 लोगों के आवेदनों के बावजूद कांग्रेस में बात नहीं बन पाई है। कांगड़ा के घुरकड़ी निवासी दीपक गर्ग पदोन्नत होकर जल शक्ति विभाग मंडी के मुख्य अभियंता हुए नियुक्त। गर्ग ने NIT हमीरपुर से की है बीटेक। उन्होंने 18 अक्टूबर 1996 को मंडी जिला के बलदवाड़ा जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन में बतौर सहायक अभियंता अपने करियर की थी शुरुआत। सिरमौर में एडल्ट BCG वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित लोगों को लगेगी वैक्सीन। सोलन के नवांग्राम के नायक मनी ठाकुर को सेना मेडल से किया गया सम्मानित। मनी ठाकुर ने वर्ष 2021 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया था और दूसरे को किया था घायल। चंबा जिला के 105 वर्षीय प्यार सिंह बने युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। साल 1952 से कर रहे प्यार सिंह मताधिकार का इस्तेमाल। प्रदेश में होली से पहले उड़ने लगा गुलाल। रंगों के त्योहार होली पर्व के लिए प्रदेश भर के सजे बाजार। लोग कर रहे जमकर खरीदारी। जिला चंबा के भरमौर में खड़ा मुखोली मार्ग पर पहाड़ी से गिरे मलबे के कारण सड़क मार्ग हुआ बाधित। आवाजाही हुई एल बंद। वाहन चालक परेशान, विभाग जुटा मार्ग बहाल करने में। हिमाचल प्रदेश की तहसील सैंज में स्थित रूपी रैला वाटरफॉल के लिए जाने वाला सड़क मार्ग 8 महीने से बंद। निराश होकर वापस लौट रहे पर्यटक। नादौन में ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रायल के साथ गाड़ियों की पासिंग। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर समीर दत्ता ने वाहन चालकों की गहनता से परख। अपनी माँ की सोने की चेन बेचने सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में आभूषण विक्रेता के पास पहुँचा नशेड़ी युवक। दुकानदार ने मौके पर बुलाई पुलिस। पुलिस पूछताछ में नशेड़ी युवक ने अपने ही घर में चोरी करने की बात की कबूल। हिमाचल प्रदेश में अब 6 नहीं 9 सीटों पर होगा विधानसभा का उपचुनाव। निर्दलीय MLA होशियार, आशीष शर्मा, KL ठाकुर ने इस्तीफा दिया। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ भी खाली हुई सीटें। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय कई भागों में ताजा बर्फबारी की गई दर्ज। गुरुवार रात को लाहौल और मनाली की ऊंची चोटियों पर हुआ हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। हालांकि शुक्रवार सुबह धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में शुक्रवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का किया गया आयोजन। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने किया समारोह का शुभारंभ। समारोह में विद्यार्थियों ने पहाड़ी नाटी के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में अब गुफा के पास श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट प्रशासन ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करने के लिए गुफा से नीचे लगाया एक पाइप। इसके माध्यम से बाबा बालकनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचाया रहा है रोड प्रसाद। वही श्रद्धालु अब वहीं से ले रहे हैं प्रसाद। डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी होली मेला में मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं की बेरोक टोक आवाजाही जारी। प्रशासन ने औपचारिकता के तौर पर निर्देश दिए हैं कि निर्धारित की गई जगह से आगे मालवाहक वाहनों में नहीं जाएगा कोई भी श्रद्धालु। जिला ऊना के महतपुर डाकघर में ग्रामीण डाक जीवन बीमा मेले का किया गया आयोजन।
इसमें ऊना डाक मंडल प्रमुख भूपिंदर सिंह ने डाक विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक ले जाने के लिए ग्रामीण डाक कर्मियों को किया प्रेरित। पुलिस थाना बंगाणा के तहत ऊना हमीरपुर नेशनल हाईवे पर मध्य बॉल में पुलिस ने चिट्टे रखने के आरोप में हमीरपुर के दो युवकों को किया गिरफ्तार। युवकों से बरामद हुआ 4.33 ग्राम चिट्टा। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिला ऊना के 150 स्कूलों में नहीं है कोई भी शारीरिक शिक्षा अध्यापक। जानकारी के अनुसार जिला के सरकारी स्कूलों की अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में हर वर्ष खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो जाती हैं। इनके लिए तैयारी, नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही 150 विद्यालय देख रहे हैं शारीरिक शिक्षा अध्यापक की राह। नगर निगम मंडी के समखेतर की MCA पास और नेशनल खिलाड़ी मीनू शर्मा बतौर कंडक्टर HRTC मंडी डिपो में दे रही हैं सेवाएं। स्पोर्ट्स कोटे से एक महीने पहले भर्ती हुई मीनू इन दिनों मंडी से जोगिंद्रनगर रूट पर जा रही हैं। MCA पास मीनू 2005 से कई बड़ी कंपनियों में अच्छे पद पर कर चुकी है नौकरी। सेब में फूल खिलने से पहले दवाइयों का छिड़काव करने में जुटे कुल्लू घाटी के बागवान। प्लम की बम्पर फ्लावरिंग के बाद बागवानों को सेब में बम्पर फ्लावरिंग की है उम्मीद। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।